जो हॉकर से कलेक्शन का पैसा आता था एक रुपए का अखबार था तो एक एक के सिक्के मिला करते थे तो उसको मैं पॉलीथीन में ले करके अपनी मोटरसाइकिल के पीछे बांध लिया करता था और खनखनाते हुए जाता था अपने कमरे पे कि आज सैलरी मिली <laughs> आज सैलरी मिली है मैं बिना छुट्टी लिए बम्बई का वो बम ब्लास्ट देखने चला गया था और उसके बाद साउथ चला गया था घूमने तो दो दिन के लिए कह के गया था और लौटा मेरे डेढ़ महीने बाद बाइक से हम लोगों ने साउथ घूमा मैंने जो तो ऐसे अखबारों में काम किया है कि जहाँ संपादक रिपोर्टर को पीटता था मारता था मैंने कभी किताब लिखने के बारे में सोचा ही नहीं था और जो ये आइडिया था कि इसको अलग अलग जगहों पे छपवाया जाए इन रिपोर्ट्स को वो भी मेरा आइडिया नहीं था एक ऐसा ट्रेवलॉग है कि उसमें दो लड़के जिनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं और चारों तरफ लोग मारे जा रहे हैं क्योंकि उस समय उग्रवाद बिल्कुल चरम पे था मैं जिस महीने में नॉर्थ ईस्ट में था डेढ़ सौ हत्याएं हुई थी भले ही आप वेश्यावृत्ति में इन्वॉल्व हों खुद वेश्याओं के पास जाते हों लेकिन ऐसा करते हुए आप एक नैतिक पोस्चर रख सकते हैं जो हमारे समाज में बड़ा काम होना ये सही बात है कि जो पोलिटिकल क्लाइमेट है उसका मैंने लाभ लेने का प्रयास किया लेकिन मैं सच्चाई दिखा रहा था मैं आलोचक का लिखा हुआ भी पढ़ रहा था और आलोचक का किसी साहित्यिक गोष्ठी में तीन पैग के बाद वाला व्यवहार भी देख रहा था तो इसलिए मुझे उनसे कोई उम्मीद नहीं थी बैलेंस किस चीज़ का करेंगे मैं तो उस उस रिपोर्टरी की भाषा को ही तोड़फोड़ के बदलना चाहता था और काफ़ी हद तक बदला भी मेरी आप कोई भी रिपोर्ट आप उठा लें वो पुराने फॉर्मेट में नहीं मिलेगी आपका दिमाग अपने रोजमर्रा के घमंजे से प्रपंचों से इतना भरा हुआ है कि उसको आप थोड़ी दूर विकसित करते हैं और वो लिखे जाने के लिए निहायत अपर्याप्त है ऐसा नहीं है कि एक जो बोहेमियन आदमी होता है या राजक आदमी होता है उसके भीतर संवेदना नहीं होती है उसके भीतर परवाह नहीं होती मैं लिखने को लेके महत्वाकांक्षी कतई नहीं था थोड़ी बहुत महत्वाकांक्षा अब पैदा हो रही है नमस्कार स्वागत है आपका संगत में मेरा नाम है अंजुम शर्मा आज हमारे साथ एक ऐसे लेखक हैं जिन्हें घूमना बहुत पसंद है जिन्हें अपने और दूसरों के अज्ञात में भटकना बहुत पसंद है कहानियाँ लिखते हैं और यात्रा वृत्तांत काफ़ी उनके लोकप्रिय का रहे हैं मैं बात कर रहा हूँ अनिल यादव की मूल रूप से पत्रकार हैं आज उनके साथ बातचीत होगी और कुछ जीवन के पहलू और उनके लेखन के बारे में जानेंगे अनिल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका संगत में हाँ धन्यवाद आपके बारे में जब पढ़ते हैं अनिल जी तो बहुत ज़्यादा आपके शुरुआती जीवन के बारे में कुछ मिलता नहीं आमतौर पर आपकी किताबों के पीछे भी ब्लर पर भी यही लिखा हुआ मिलता है कि एक घुमक्कड़ी लेखक मैं जानना चाहता हूँ इसकी शुरुआत कैसे हुई इस पर तो आएंगे लेकिन थोड़ा बचपन के बारे में बताइए थोड़ी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बताइए पारिवारिक पृष्ठभूमि है कि मूलतः गाजीपुर ज़िले के पूर्वी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर ज़िले के आ, किसान हैं हम लोग लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि तीन पीढ़ी पहले लोग फ़ौज में जाने लगे तो मेरे दादाजी फ़ौज में थे मेरे पिताजी फ़ौज में थे मुझे भी फौज में जाना था लेकिन मैं चला आया इधर और परिवार में काफ़ी लोग फ़ौज में हैं फौज में या दूसरे अर्धसैनिक बलों में और ऐसा मेरे पूरे जिले के साथ है आ, मेरा ख्याल है आ, गाजीपुर से बहुत फ़ौजी हैं तो ये तो पारिवारिक पृष्ठभूमि हुई और बचपन के बारे में क्या बताया जाए मैं कानपुर में पैदा हुआ था उसमें मेरे पिताजी चकेरी एरोड्रोम पे पोस्टेड थे और शायद उसमें कारपोरल थे वो जो शुरुआती पद होता है वायुसेना में और उनका दो साल बाद तीन चार साल बाद ट्रांसफ़र हो गया मैं फिर गांव चला गया <स्थाँगा> और उसके बाद एक सिलसिला सा चल पड़ा कि जब उनका ट्रांसफ़र दूर हो जाता था तो हम लोग गांव पहुंच जाते थे जब कहीं आस पास रहते थे तो शहर में आ जाते थे तो ये बचपन था और बचपन बड़ा उस तरह का था उन्मुक्त था जैसे गांव में थे तो आ, खेती बारी, नदी आकाश चंद्रमा और एक जो उन्मुक्त बचपन होता है कि जैसे आ, दिन भर नहीं पता रहता कि बच्चों का कि बच्चा बच्चे, बच्चे कहाँ हैं जी वो फिर सीधे शाम को दिखाई देते हैं और ऐसा ही आ, मुझे शहर में भी ऐसा ही बचपन मिला मैं इलाहाबाद में मिलिट्री डेरी फार्म में रहता था बहुत बड़ा जंगल था और आ, वहाँ भी हम लोग ऐसे ही रहते थे और ले दे के कह सकते हैं कि अब मैं सोचता हूँ अपने बचपन के बारे में तो मुझे अपना बचपन बड़ा विराट और बड़ा संपन्न बचपन लगता है बचपन की तमाम यादें जब बी तक आप आते हैं तो आप किस तरह अपने आप को एक बड़ा होता हुआ देखते हैं और बी एच यू में वो किस तरह से आपका बचपन बदल जाता है इसको कैसे कहा जाए क्योंकि मैं मेरा विकास कोई बहुत सामान्य तरीके का विकास नहीं हुआ मैं अपने आप को देखता हूँ कि एक बहुत गुस्सेल चिढ़ने वाले और ब्रूडिंग किस्म के किशोर के रूप में देखता हूँ मैं काफ़ी घूठन भरा था जिसको किसी भी चीज़ से संतोष नहीं है और बी एच यू पहुँचाना भी एक संजोग का ही नतीजा था क्योंकि पढ़ाई लिखाई में मेरी दिलचस्पी कभी नहीं थी मतलब स्कूल का जो एटमोसफियर था वो मुझे बड़ा सफोकेटिंग लगता था बचपन की आपने बात की तो मैं बताता हूँ कि जैसे मैं जो जो फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं नाइन्थ टेंथ एलेवेंथ ट्वेल्थ मैं प्रार्थना के बाद से लेकर के लंच तक रेसेस तक गंगा किनारे एक अखाड़े पे जाके सोता था क्लास छोड़ करके सोता था और जो दूसरे <laughs> और ये आपके साथियों को पता रहता था वो आते थे देखते थे मैं बेसुद वहाँ सोया हुआ हूँ लार बह रही है वो मेरा मजाक उड़ाते थे, थे कि ये देखिए ये दौलतपुर के रहने वाले मुन्ना है इस साल इनका हाई स्कूल का वो इम्तहान है तैयारी कर रहे हैं <laughs> तो उस तरह का बचपन था थोड़ा लापरवाह और उस तरह का और उसके बाद फिर मैं किसान राजनीति में चला गया उसके बाद फिर छात्र राजनीति में चला गया और तमाम विश्वविद्यालयों में डिग्री कॉलेजों में भटकते हुए चुनाव लड़ते हुए संजोग से मैं बी एच यू पहुँच गया <laughs> मेरा एडमिशन भी बीजे में मैंने नहीं करवाया किसी और ने करवाया एंट्रेंस एग्जाम मैंने दिया था लेकिन मेरी फीस किसने भरी मैं नहीं जानता आज तक नहीं जानता अरे और वो आदमी भी मतलब शॉकिंग आश्चर्यजनक बात है जाहिर सी बात है कि मैं उस जमाने में पूरी तरह से एक कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ा हुआ था और स्टूडेंट लीडर था लेकिन आ, इसी बीच मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया और वो इसलिए दिया कि मैं जो प्रेस नोट वग़ैरह लिख के देता था तो जो जो अखबार वाले पत्रकार लोग होते कहते थे कि यार तुम बहुत अच्छा प्रेस नोट लिखते हो हमें कुछ नहीं करना पड़ता हमें सिर्फ उस पर हेडिंग लगानी पड़ती है बाकी हम उसको का तस छाप देते हैं तो इससे मुझे लगा कि मुझे ये भी करके देखना चाहिए पत्रकारिता करके देखना चाहिए ये जो जस का तस छाप देते हैं ये जो भाव उनके भीतर आता था और एक भी पेन या पेंसिल का एक भी डॉट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी ये चीज़ें कैसे विकसित हुई थी मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ क्योंकि आप कह रहे हैं कि पढ़ाई लिखाई में अच्छे थे नहीं आप ना लेकिन भाषा अच्छी थी मतलब पढ़ाई लिखाई में अच्छे नहीं थे लेकिन फिर भी हिंदी और इंग्लिश में डिस्टिंगशन आता था बाकी में बहुत ख़राब नंबर आते थे बाकी में किसी तरह से पास होते थे बल्कि मुझे एक बार तो गणित में मैक्सिमम ग्रेस मार्क मिला था स्कूल में छः नंबर उससे पास हुआ था मैं <laughs> फिर आगे आपको पहली नौकरी कब मिलती है पहली नौकरी मुझे, मुझे 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 मिली 91 में मिली क्या मतलब मुझे एक तरह से मजबूरी में पकड़ा दी गई मैं बी में स्टूडेंट लीडर था और बीजे कर चुका था और कम्युनिस्ट पार्टी से भी मेरा मोभंग हो रहा था वहाँ भी मैं खूब वहाँ भी संतुष्ट नहीं था वहाँ भी नेताओं से लड़ता रहता था मेरा अक्सर किसी न किसी इशू पे झगड़ा चलता रहता था और जो हमारे उस जमाने में हेड थे जर्नलिज्म डिपार्टमेंट के वो बड़े लिजेंड्री आदमी थे अंजन कुमार बैनर्जी तो वो भारत में बहुत सारे पत्रकारिता विभाग उनके शुरू किए हुए हैं तो वो मुझसे कुछ त्रस्त रहा करते थे क्योंकि मैं उनको भी परेशान किए रहता था तो वो एक दिन दोपहर में मुझे अपने घर से उठा के रिक्शे से बिठा के ले आए भारत दूत अखबार के दफ्तर भारत दूत एक छोटा सा इवनिंगर था बनारस में जिसके मालिक हुआ करते थे उस समय राज्यसभा उपसभा तो के उपसभापति थे श्यामलाल यादव तो वहाँ ले जाके उन्होंने मुझे बिठा दिया और कहा कि ये कल से यहाँ पे नौकरी करेगा और अगले दिन से मैं संपादकीय लिखने लगा उनके यहाँ उससे पहले कभी नहीं लिखा था ना आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह का अखबार रहा होगा मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत काबिल था लेकिन ऐसे ऐसे विषयों पे बोलने वाले लिखने वालों की बहुत कमी थी और ये काम हम रोज़ किया करते थे सड़क पे जो भाषण देते थे वो संपादकीय तो हुआ करता था तो जा कर के वहाँ लिखने लगे तो पहली नौकरी शुरू होती है भारत दूत नाम के एक इवनिंगर से और बहुत मज़ेदार इवनिंगर था वो जैसे जैसे जो हम लोगों को सैलरी मिलती थी पाँच सौ रुपये नाइन्टी वन में नाइन्टी वन में रेजगारी मिलती थी जो हॉकर से कलेक्शन का पैसा आता था एक रुपये का अखबार था तो एक एक के सिक्के मिला करते थे तो उसको मैं पॉलीथीन में ले करके अपनी मोटरसाइकिल के पीछे बांध लिया करता था और खनखनाते हुए जाता था अपने कमरे पे कि आज सैलरी मिली आज सैलरी मिली है फिर उसके बाद उस अखबार की जो एक बात मुझे याद रह गई है कि उसी समय इक्यानवे में बनारस का दंगा हुआ और बनारस के दंगे में जो प्रवृत्तियां इन दिनों आप मीडिया में देख रहे हैं वो फुल ब्लूम पे थी मतलब तथ्यों को तोड़ना मरोड़ना झूठा इतिहास प्रस्तुत करना ये सब चीज़ें अखबारों में वहाँ चल रही थी जैसे वहाँ के अखबारों में छप रहा था कि गंगा के नीचे नीचे रामनगर से बनारस तक सुरंग है जिससे आईएसआई के आतंकवादी असलहे सप्लाई करते हैं और मुसलमान उनका इस्तेमाल करके दंगे करते हैं इतिहास के बारे में दुनिया भर की तोड़ मरोड़ तो वो जो दंगा हुआ था वो काली प्रतिमा विसर्जन के बाद हुआ था तो मैंने एक स्तंभ शुरू किया वो मेरा ही इनिशिएटिव था कि मैंने वो था पाती काली माई के नाम मतलब काली माई को मैंने चिट्ठी लिखी कि आपका तो विसर्जन हो गया आप चली गई गंगा जी में लेकिन आपके जाने के बाद यहाँ बनारस में क्या हुआ मैं आपको बता रहा हूँ कि बनारस के पॉलिटिशियन क्या कर रहे थे मीडिया क्या कर रहा था सामान्य लोग क्या कर रहे थे तो उसमें इन सब चीज़ों का जिक्र था कि किस तरह से मीडिया तथ्यों को तोड़ मरोड़ रहा है किस तरह से अफवाहें फैलाई जा रही हैं किस तरह से मुसलमानों को विक्टिमाइज़ किया जा रहा है तो मुझे फिर आ, उसका नतीजा था कि कई जगह बुला करके पाठकों ने सम्मानित किया मतलब गलियों में सम्मान समारोह हुआ करते थे और सचमुच तब लगता था कि हाँ जर्नलिज़्म कोई चीज़ है और मैं सही जगह आ गया हूँ तो वो एक चीज़ मुझे और फिर होती है, है वीरेंद्र डंगवाल की एंट्री नहीं नहीं वीरेंद्र डंगवाल की एंट्री बहुत बाद में होती है डंगवाल की एंट्री बहुत बाद में होती है मैं वहाँ भी कंफर्टेबल नहीं था भारत दूत में वहाँ से भी लड़ झगड़ करके निकल आया फिर उसके बाद मैंने 92 में दैनिक जागरण ज्वाइन किया लखनऊ एज ए कब रिपोर्टर एज ए ट्रेनी रिपोर्टर और उसी के अगले साल मुझे बाबरी मस्जिद कवर करने के बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन कवर करने का मौका मिला बहुत जल्दी मैं आ गया था पॉलिटिक्स वगैरह कवर करने लगा था और मैं करते करते फिर हाँ 92 में ही मुझे फिर निकाल भी दिया गया 93 आते आते दैनिक जागरण से मैं और वो क्यों मैं बिना छुट्टी लिए बम्बई का वो बम ब्लास्ट देखने चला गया था और उसके बाद साउथ चला गया था घूमने तो दो दिन के लिए कह के गया था और लौटा मेरे डेढ़ महीने बाद बाइक से हम लोगों ने साउथ घूमा अच्छा ऐसा नहीं लगा आपको इन तमाम सालों में जिस तरह से आपका छोटा छोटा कार्यकाल अखबारों में रहा कि बहुत ज़्यादा बेपरवाह हैं और उस बेपरवाही की परवाह होनी चाहिए ऐसा थोड़े समय के लिए लगता तो था क्योंकि मेरे साथ जो लोग थे वो कैरियर ढंग से सोच रहे थे आगे भी बढ़ रहे थे लेकिन मैं उसको अमल नहीं कर पाता था सोचता मैं भी था कि मुझे भी इन्हीं की तरफ ज़्यादा प्लानिंग के साथ ज़्यादा सूझबूझ के साथ ज़्यादा ठंडे दिमाग के साथ काम करना चाहिए लेकिन जब भी कोई निर्णायक परिस्थिति आती थी तो वो मुझसे हो नहीं पाता था मैं अक्सर अखबारों के भीतर आ, लड़ाई हो जाती थी झगड़ा हो जाता था कोई ना कोई ऐसा डिस्प्यूट हो जाता था हठी है इसलिए हठी होने की बात मैं इसको नहीं मानता कि जैसे मुझमें कोई ऐब है इसकी वजह से मैं नौकरियां छोड़ता था मुझे ऐसा लगा कि चूंकि सारे दफ्तरों में इंक्लूडिंग मीडिया के ऑफिसिस में जो अमानवीयता जो प्रपंच है जो एक हिपोक्रेसी है वो परेशान करती थी मुझको अब जैसे अखबार के ऑफिस में चपरासी के साथ जो संपादक का बर्ताव है स्ट्रिंगर के साथ जो बर्ताव है और खैर मैंने तो ऐसे अखबारों में काम किया है कि जहाँ संपादक रिपोर्टर को पीटता था मारता था मैनेजर को उसके साथ गाली गलौज करता था और ऑफिस की आ, में काम करने वाली औरतों को अपनी रखैल समझता था मैंने तो ऐसी ऐसी जगहों पे काम किया हुआ तो अब ऐसी जगहों पे अगर आप बोलेंगे या तो है कि आप बिल्कुल अंधे हो जाइए बहरे हो जाइए गूंगे हो जाइए और अपना सर्वाइवल सुनिश्चित कीजिए वो भी नहीं सुनिश्चित हो पाता आप जितना चुप रहते हैं उतना ही क्रश किए जाते हैं और एक दिन मतलब कोई क्रश करने वाले की भी कोई आ, सीमा नहीं होती उसको क्रश करने में इतना मज़ा आता है आ, उसकी भी कोई सीमा नहीं है एक दिन आप क्रश आउट कर दिए जाते हैं या फिर आप स्टैंड लेते हैं बोलते हैं तो आपको उसका खामियाजा तुरंत भुगतना पड़ता तो मेरे वाले मामले में तुरंत भुगतना पड़ता था और मैं बाहर आ जाता था ऐसा आ, एक नहीं कई बार हुआ तो पत्रकारिता से यही नहीं सब कारणों से आपका मोह भंग हुआ और लेखन की तरफ आप आए मान लिया जाए ये कह सकते हैं कि सांस्थानिक पत्रकारिता से मेरा मोह भंग हुआ पत्रकारिता से कोई ऐसा सच मोह भंग नहीं है अगर मुझे आज भी कोई इस तरह का असाइनमेंट मिलता है जो थ्रिलिंग हो मेरा उसमें इन्वॉल्वमेंट हो तो मैं उसको करने के लिए तैयार हूँ लेकिन संस्थानों के भीतर जो प्रपंच है जो और अब तो और ज़्यादा है संस्थानों के भीतर के प्रपंच को आमतौर पर आप राजनीति के साथ तुलना करके देखिए कि अगर आपको राजनीति बदलनी है तो आपको राजनीति में कूदना पड़ेगा अगर आप संस्थानिक पत्रिकाओं से पत्रकारिता से इतना ज़्यादा संतुष्ट रहे तो उसको संस्थान के भीतर रहकर भी तो ठीक किया जा सकता था ऐसा लोग कहते हैं बाहर से तो आप ठीक नहीं कर सकते या तो अपना संस्थान खड़ा कर लीजिए जिसमें ये सब कुछ हो ही ना देखिए मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि संस्थानों के भीतर जो कुछ चल रहा था वो हमारी राजनीति का ही रिफ्लेक्शन था अक्सर जो संस्थान था या आज भी वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जो अक्सर सत्ता में होती थी उसका बगलगीर हो जाता था आज भी होता है वो उससे रेवेन्यू लेता था बदले में उसकी बिरदावली करता था उसका चारण हो जाता था और ये जो करने वाले लोग होते थे उनके हाथों में असीम शक्ति दी जाती थी ताकि वो भरपूर तरीके से संसाधनों का और कर्मचारियों का इस्तेमाल करके ऐसा कर सके। ज़्यादातर चीज़ें वहाँ से पैदा होती थी उनका दिमाग वो जो उनको ताकत दी जाती थी पावर के साथ एलाई होकर के उसका एजेंडा पूरा करने के लिए उस ताक़त से बहुरा के वो करते थे वरना वही लोग उन संस्थानों से जब बाहर आ जाते थे या उन पदों पे नहीं रह जाते थे तो वो बेचारे बड़े दीनहीन हो जाते थे बहुत विनम्र हो जाते थे लेकिन जितने दिन पावर रहती थी पगलाए हुए रहते थे तो मुझे नहीं लगता कि संस्थानों के भीतर रह के बदल सकते थे क्योंकि संस्थानों का नेचर फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे उन्हें बिल्ड ही इस तरह से किया गया था वो फरेब पर तो खड़े हुए संस्थान हैं जैसे मैं जिस आ, संस्थान में काम करता था वहाँ दो खाते मेंटेन किए जाते थे अगर कोई आदमी काम के दौरान कोई रिपोर्टर मर जाता था तो वो कभी साबित नहीं कर पाता था कि वो इस संस्थान में कभी था अच्छा मैं टोक रहा हूँ जिस तरह की बात आप अभी कर रहे हैं कि दो खाते और ये तमाम चीज़ें अब चूंकि मैं आपको सुन रहा हूँ इसलिए सुनने वाला इस पर भरोसा कर सकता है लेकिन दूसरा पक्ष ये भी है कि हमारे पास उन संस्थानों का कुछ एक तरीके से कहन हमारे पास नहीं है जो कि इसको काउंटर कर सके तो कहने वाले ये भी कह सकते हैं कि ये तो एक तरफा बात है अनिल यादव आरोप लगा रहे हैं हो सकता है अनिल यादव खुद भी गलत हो तो क्यों ऐसा है कि अनिल यादव सब पर उंगली ही उठाते रहते हैं आदत है इसको और क्या कह सकते हैं मतलब उंगली उठाना किसी सनक किसी उन्माद या किसी विक्षिप्तता का नतीजा नहीं परिस्थितियां चुकी ऐसी हैं और वो चुभती हैं परेशान करती हैं इसलिए उंगली उठाते हैं अगर हम उंगली ना उठाते तो हमारा विकास भी नहीं होता हम भी किसी कोने में एक बड़े बाबू की तरह पड़े हुए थे जैसा कि आमतौर पर पत्रकारों के साथ होता है <laughs> तो मुझे नहीं बनना था बड़े बाबू उस तरह का जीवन शुरू से पसंद नहीं था उंगली उठाना पसंद था ठीक है उठाते रहे चलिए थोड़ा सा लेखन की तरफ आते हैं पत्रकारिता से हालांकि बीच बीच में सब बातें होती रहेंगी आपके साथ क्योंकि उसके बिना आपसे बात ना हो ये संभव होगा नहीं आ, वह भी कोई देश है महाराज आपका आता है और एक बहुत लंबा समय इसको लगता है आने में हाँ। एक तरीके की रिपोर्ट ही है सारी की सारी अगर देखा जाए यात्रा वृत्तान्त है लेकिन ये चाहते तो किश्त में छप सकती थी और जिसका आपने प्रयास भी किया होगा लेकिन वो रिजेक्ट होती चली गई तमाम जहाँ जहाँ आपने बात की होंगी वहाँ वहाँ से और एक किताब की शक्ल में आ जा, आ जाती है क्या ये मान लिया जाए कि ये रिजेक्शन का नतीजा था अन्यथा ये किताब न बनती अब इसको कैसे कहें मुझे ऐसा लगता है कि मेरे भीतर लिखने की ड्राइव नहीं थी इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि मुझमें आत्मविश्वास की बहुत कमी थी ये भी कह सकते हैं कि सेल्फ़ नेग्लिजेंस बहुत ज़्यादा था मैंने कभी किताब लिखने के बारे में सोचा ही नहीं था और जो ये आइडिया था कि इसको अलग अलग जगहों पे छपवाया जाए इन रिपोर्ट्स को वो भी मेरा आइडिया नहीं था वो मेरे को रेवेलर का शाश्वत का आइडिया था वो उसकी थोड़ी बहुत महत्वाकांक्षा थी कि वो पत्रकारिता में आ, कुछ अलग काम करके दिखाई दे लेकिन कई जगह बात तो करके गए थे ना कि हम जा रहे हैं बात मैंने करी थी लेकिन उसके कहने पे की थी मैं तो सिर्फ इस आइडिया पे चला गया था कि अगर हम एक ऐसी सी जगह चले जाएं, जहाँ की हम भाषा न जानते हों जहाँ की हम संस्कृति न जानते हों और हमारी जेब में पैसे भी ना हों तो हमारे भीतर जो जीवनी शक्ति है मेरे भीतर वो प्रकट होगी और मैं अपनी हताशा से अपने डिप्रेशन से निकल आऊँगा मैं तो इस आइडिया के पीछे था जो पत्रकारिता वाला आइडिया था कि ये जगह जगह पे नेशनल आ, मीडिया में ये छपेगी और हम लोग एक रिमोट इलाके को ट्रैवल करने वाले एक्सप्लोर एक्सप्लोर करने वाले जर्नलिस्ट और एक्सपर्ट के रूप में जाने जाएंगे ये मेरे दोस्त का आइडिया था तो दोस्त बीच में ही डिप्रेस होकर लौट आया वो बीच में ही चला आया मैं रुका रहा क्योंकि मुझे तब तक वो 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 जो अज्ञात में भटकने वाला और उसके भीतर से नई चीज़ें हासिल करने का चस्का लग चुका था तो किताब लिखने का आइडिया ही नहीं था ये तो लखनऊ में एक साहित्यकार हुआ करते थे मुद्रा राक्षस उन्होंने एक मैगजीन निकाली प्रतिपक्ष उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें लिखना चाहिए अपने वो एक्सपीरियंसेस तो मैंने उनको लिख के दिया लेकिन वो इतना खराब छपा प्रूफ की उसमें इतनी गलतियां थी उन्होंने अपने बेटे को एडिटर बना दिया था शायद घरेलू कला से बचने के लिए वो उसका प्रूफ तक नहीं देख सकता था रोमी श्रीराज मुद्रा राक्षस उनके लड़के का नाम दुरूह अपठनीय उसके बाद किसी ने नोटिस नहीं लिया पांच एपिसोड उसमें छपे करीब तीस हजार पैंतीस हजार शब्द छपे किसी ने नोटिस नहीं लिया मेरे दिमाग में यही आया कि मेरे लिखे में कोई बात नहीं पैसा मिला था कोई पैसा नहीं मिला था और मेरे अनुभवों में भी कोई बात नहीं है इसलिए भूल जाना चाहिए इसको ये तो फिर पाँच सात आठ महीने बाद एक साल बाद वो छोटी छोटी पत्रिकाओं में छपने लगा वहाँ से वहाँ से पिक करके और उसको ठीक करके प्रूफ वग़ैरह अच्छे से पढ़ करके वो छपना शुरू हुआ फिर उस पर चर्चा शुरू हुई फिर मुझे लोगों ने दोस्तों ने इंक्रेज किया कि यार ये अगर छप रहा है तो ऐसा नहीं है जो तुम कहते हो कि कोई दम नहीं है तुम्हारे लिखे में तुम्हें इसको पूरा करना चाहिए और इसमें फिर प्रकाशक और मेरे दोस्त गौरीनाथ का भी योगदान है उन्होंने भी मुझसे लिखवाया तो लोगों के प्रोत्साहित करने पे इंकरेज करने पे मैंने लिखा और वो संजोग से किताब बनी वरना मूलतः किताब लिखने का कभी कोई विचार पहले से नहीं था जब यात्रा करते हैं आप किन चीज़ों को ऑब्ज़र्व करने की कोशिश होती है कि क्या ये उन चीज़ों को देखा जाए जो कि पहले ना देखी गई हैं ना लिखी गई हैं या फिर उन्हीं चीज़ों को फिर से नए नज़रिए से देखा जाए ऐसा कुछ नहीं होता मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह कि कोई की कोई प्लानिंग कि क्या देखें और क्या ना देखें ये ये कभी मेरे दिमाग में नहीं रहता और मुझे लगता है कि शायद किसी के दिमाग में नहीं रहता या कोई प्लान ही करके जाए मैं नहीं कह सकता लेकिन मेरे साथ तो ऐसा है कि मैं ये सोच के नहीं जाता मुझे इट्स नई जगहों पे लोगों में वहाँ की कल्चर में वहाँ की छोटी छोटी बहुत ऐसी चीज़ें जो लोगों को बड़ी उबाऊ बड़ी ट्रिवियल बहुत उस तरह की लगती हैं उसमें मेरी दिलचस्पी है अब जैसे और फिर वहीं से फिर कुछ नया पैदा हो जाता है अब जैसे मैंने अभी उत्तराखंड पे जो मेरा अभी ट्रेवलॉग आने वाला है पता नहीं कैसे पहले ही दिन मुझे एक ऐसी बुढ़िया दिखाई दी एक खेत में जौ की फ़सल थी तो वो दो लकड़ी की डंडियाँ के बीच में जौ की बाली दबाती थी और उसको नोच करके रख लेती थी और बाकी जो डंठल था उसको खेत में ही छोड़ देती थी वो तो मेरी दिलचस्पी इस तरीके में हुई कि ये 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 क्या है ये जो लकड़ियां हैं दो डंडियां हैं इनको क्या कहते हैं और ये शायद जब हसिया नहीं बना था जब लोहा नहीं बना था उससे पहले का ये हार्वेस्टिंग का तरीका है तो फिर मैं आ, उस बुढ़िया से मैंने पूछना शुरू किया कि ये क्या है तो उसने बताया कि ये तो मैं आज से साठ साल पहले जब मेरी शादी हुई थी तो अपने साथ दहेज में ले आई थी ये दिया जाता था दहेज में कि जा रही है तो फसल काटने के काम आएगा तो इसी तरह की चीज़ों में मेरी दिलचस्पी है और उसके लिए कभी कोई प्लानिंग हो नहीं सकती बस ये है कि लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हुए उनको थोड़ा ऑब्ज़र्व करते हुए उनके साथ हिलते मिलते हुए अपने आप इस तरह की चीज़ें प्रकट होती तो जो वह भी कोई देश है महाराज है क्यों इतना पॉपुलर हो गया कि आज तक उसकी चर्चा होती है उसके पीछे कोई तो कारण होगा क्या ये कि पूर्वोत्तर पर हमारे पास इतनी ज़्यादा हिंदी में सामग्री नहीं थी या फिर ये कि बहुत दिनों से किसी ट्रैवलॉग का एक अभाव सा था हमारे हिंदी समाज में न, ये बात बिल्कुल ठीक है कि हिंदी में नॉर्थ ईस्ट पर ट्रैवलॉग बहुत कम है और दूसरा ये है कि हिंदी में ठीक से ट्रैवलॉग लिखने का कल्ट ऐसा लगता है कि जैसे अभी शुरू ही नहीं हो पाया है हमारे यहाँ जो ट्रैवलॉग हैं वो ज़्यादातर कार की खिड़की से होटल की खिड़की से वहाँ गए क्या खाया क्या पिया वो 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 ऐसी चीज़ों के बारे में होते हैं जो पहले से सबको पता है और ख़ास तौर से जिस तरह की इन दिनों अब टेक्नोलॉजी हो गई है आ, उसमें तो और आसान हो गया है कि नॉर्थ ईस्ट के लोग क्या खाते हैं आप गूगल पर सर्च करके जान सकते हैं क्या पहनते हैं जान सकते हैं वहाँ की आदि परंपराओं के बारे में पूजा पद्धतियों के बारे में आदिवासी धर्मों के बारे में आपकी दिलचस्पी है तो जान सकते हैं तो वहाँ की स्थानीय ज़िंदगी के साथ जो इंटरेक्शन है <laughs> वो हिंदी के ट्रेवलॉगों में बहुत कम बहुत कम देखने को मिलता है तो मुझे लगा कि जो मेरा अपना ऑब्जरवेशन है कि वो एक ऐसा ट्रेवलॉग है कि उसमें दो लड़के जिनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं और चारों तरफ लोग मारे जा रहे हैं क्योंकि उस समय उग्रवाद बिल्कुल चरम पे था मैं जिस महीने में नॉर्थ ईस्ट में था डेढ़ सौ हत्याएं हुई थी और वो लोगों के घरों में रुकते हुए उनके साथ खाना खाते हुए कहीं कहीं तो किराया भी लोकल लोग ही देते थे और करते हुए घूम रहे हैं तो ये जो तमन्ना होती है कि एक साधारण पाठक की साधारण आदमी की भी तमन्ना होती है वो अपने फैंटेसीज़ में सोचता है कि मैं भी ऐसे जोखिम में डालूं ख़ुद को या पढ़ जाऊं और फिर पता नहीं कैसा होगा वो साकार होता दिख रहा था उसमें कि दो लोग ऐसा कर रहे हैं शायद ये कारण था उसके लोकप्रिय होने का लेकिन जोखिम वाला एक बहुत बड़ा हिस्सा आम तौर पर माना जाता है कि उससे गायब है जिसमें इंसर्जेंसीज़ के दौरान जो संगठन थे उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें आपने दी नहीं ऐसा क्यों मुझे नहीं पता रहा होगा जितना मुझे पता था जितना पता चला आ, उतना तो मैंने लिखा है और इंसर्जेंसी के बारे में क्या छूट गया है इसके बारे में अब तो कम से कम अब जब इंसर्जेंसी वहाँ नहीं है तो दूसरे ट्रैवलर्स को जाना चाहिए देखना चाहिए लिखना चाहिए मुझे तो दरअसल मेरी भी एक सीमा है ना, कि मैं क्या क्या देख सकता हूँ क्या क्या समझ सकता हूँ तो मेरी जिन चीज़ों में दिलचस्पी थी मेरी दिलचस्पी एक सामान्य आदमी की ज़िंदगी में उग्रवादियों या राजनेताओं या राजदूतों की ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा है तो मैंने उस पर फोकस किया आप उसमें देखेंगे कि हर जगह सबसे साधारण सबसे गरीब लोग ही मेरे गाइड होते हैं मेरे दोस्त होते हैं मेरे ट्रैवलर होते हैं मैं कभी किसी उसके चक्कर में नहीं पड़ता कि मुझे कोई अब जैसे मेरा दोस्त गवर्नर उसका रिश्तेदार है जो मेरा को ट्रैवलर है वो मिलने जाता है गवर्नर से जो गवर्नरानी है उसकी बुआ है और वो मुझे इसलिए नहीं ले जाता कि अगर मैं इसको ले गया गवर्नर के यहाँ तो ये कुछ ऐसा बोल देगा गवर्नर के खिलाफ कि हमारे संबंध ख़राब हो जाएंगे तो मेरा बिल्कुल हम दो बिल्कुल अलग अलग टेम्परामेंट के ट्रेवलर हैं वो है कि वो गवर्नर उसका रिश्तेदार है लेकिन उसके यहाँ वो मुझे नहीं ले जाता और अगर वो ले जाता तो मैं इसमें ज़्यादा सक्षम था कि ज़्यादा सहूलियतें अपने लिए जुटा सकता था कि हम लोग कैसे इंसर्जेंसी वाले इलाके में घूमें इसकी व्यवस्था अच्छे से कर सकता था अनिल जी कहानियों की तरफ थोड़ा सा आते हैं नगर वधुएँ अखबार नहीं पढ़ती कहानी संग्रह है आपका इस कहानी संग्रह की जो यही कहानी है शीर्षक वाली काफ़ी बात होती है इस पर आपको लगता है कि इस कहानी की इतनी चर्चा हुई कि इसकी छाया में या इसके प्रकाश में बाकी सारी कहानियाँ कहीं दब गईं और उस पर बात नहीं होती है नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता आ, बल्कि अब अपने बारे में मेरी कहानियों पे बात क्यों नहीं होती या क्यों होती है मैं इस पर नहीं बोलना चाह रहा था लेकिन फिर भी मैं एक नई चीज़ की तरफ या भी नई चीज़ क्या है पुरानी ही चीज़ है कि अब बातचीत प्रायोजित होने लगी है जिस तरह से लाइक्स मैनेज किए जाते हैं कमेंट्स मैनेज किए जाते हैं लोकप्रियता का प्रबंधन किया जाता है उसी तरह से कहानियों पे उपन्यासों पे बातचीत का उनकी समीक्षाओं का उनकी आलोचना का भी प्रबंधन किया जाता है और ये राइट फ्रॉम द पब्लिशिंग हाउस ये शुरू हो जाता है hmm. तो इसलिए ये कि कहना कि इस पर ज़्यादा बात हो गई इसलिए इन पर ज़्यादा नहीं हुई आ, शायद मैं तो कहूँगा कि मैं प्रायोजित नहीं कर पाया मैं मैनेज नहीं कर पाया अपने कहानियों की समीक्षा और अपने कहानियों का रिव्यू इसलिए बात नहीं हो पाई लेकिन खैर कोई बात नहीं मेरा इस पर यकीन है कि अगर बात नहीं हुई है तो मुझे कुछ ऐसा लिखना चाहिए कि उस पर बात हो क्योंकि दंगा भेजिए मौला एक ऐसी कहानी है जिस पर बात होनी चाहिए थी जी और वो कहानी अपने आप में मतलब एक नई तरीके की आ, मतलब कथानक लेकर आती है जिसमें आप चाहते हैं कि ऐसा दंगा हो और आगे बढ़े वो चीज़ लेकिन उस पर बात नहीं हुई नगर वधुओं पर ज़्यादा बात होती है इसीलिए मैं ये जानना चाह रहा था अब नगर वधुएँ पर बात करने में आसानी है कि वेश्याओं पे बात करना आसान है क्योंकि बहुत दिनों से बात होती रही है तो वेश्याओं के मामले में बड़ा आसान है कि आप सहानुभूति प्रकट करें कि किस तरह का जीवन जी रही हैं इस बुराई पे लानत भेजें और आगे बढ़ जाएं भले ही आप वेश्यावृत्ति में इन्वॉल्व हों खुद वेश्याओं के पास जाते हों लेकिन ऐसा करते हुए आप एक नैतिक पोस्चर रख सकते हैं जो हमारे समाज में बड़ा काम आ आज के समय में तो दंगों पर बात करना भी बहुत आसान है दंगों के बारे में बात करना आसान है लेकिन उस कहानी का जो कंटेंट है आज से बाईस साल पहले लिखी गई वो कहानी है और वो कहानी इस बारे में है कि कैसे राज्य स्टेट अपने ही नागरिकों के अल्पसंख्यक हिस्से के खिलाफ हो गया है और उनको बाढ़ में बीमारी में किसी आपदा में झोंक के मार डालना चाहता है और इसी से निजात पाने के लिए वो चाहते हैं कि इस तरह से बे आवाज़ बेजती के साथ मरने से अच्छा है कि हम लड़के मरें तो ये बात करना आसान हो गया है कि क्या उस कहानी में हिंदू की तरफ़ हैं आपके मुसलमान की, की तरफ़ हैं ये बात करना आसान हुआ है और इस सुविधा को देखते हुए ज़्यादातर लोग हिंदुओं की तरफ़ चले गए क्योंकि आजकल फ़ैशन है स्टेट का राज्य का संरक्षण है उन लोगों के, के, के लिए जो हिंदुओं की तरफ से बोलते हैं इसलिए बात करना आसान हो गया है लेकिन उस कहानी में तो राज्य को दिखाया गया है कि वो अपने नागरिकों के खिलाफ हो गया है तो लोग नहीं करते बात अब नहीं करते तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ आपने फैशन की बात की तो ये पता नहीं इस तरह से कहना चाहिए या नहीं क्या उसी फैशन का नतीजा गौ सेवक था फैशन मैं आपकी बात समझा नहीं किस किस रेफरेंस में फ़ैशन एज इन की जैसे आ, प्रचलन है इस समय कि अगर रक्षक हैं या फिर गायों पर बात हो रही है और स्टेट चाह रहा है राज्य चाह रहा है कि गायों की रक्षा होनी चाहिए और वो गौशाला बनवा रहा है एक ऐसे समय में जब ऐसी सरकार हमारे यहाँ है इस समय और आप गौ सेवक नाम की कहानी लिखते हैं तो क्या ये अवसर के तहत लिखी गई कहानी थी कोई स्ट्रेटेजी थी या फिर कुछ और था देखिए इस चीज़ ने मुझे आकर्षित तो किया कि इन दिनों पूरे देश में आ, गायों की तस्करी के नाम पे उसको रोकने के नाम पे मुसलमानों की हत्याएं की जा रही हैं और पूरी राजनीति जो उसके केंद्रीय मुद्दे हुआ करते थे उससे हट के शिफ्ट हो गई है ऐसे ही मुद्दों पे लफ जहाद गाय या कोई भी छोटी सी चीज़ कोई कोई कैब का ड्राइवर मुसलमान है तो मैं उससे नहीं जाऊंगा कोई डिलीवरी बॉय है तो उससे मैं पिज्जा नहीं लूंगा मतलब इस महादेश के बड़े बड़े मुद्दे शिफ्ट हो गए हैं ऐसी चीज़ों पे ये मेरे दिमाग में था उसको लिखते समय लेकिन वो कहानी इस अवसर का लाभ तो लेती है गाय का के नाम पर जो चर्चा हो रही है इसका लाभ मैंने लिया लेकिन वो उसके अंदर का जो तंत्र है कि गायों की तस्करी को जो रोकने का उनकी जो रक्षा करने का दावा करते हैं वो भीतर से किस तरह के लोग हैं वो खुद ही उसमें इन्वॉल्व हैं और किस तरह से इसको एक पॉलिटिकल कैपिटल में वो बदलते हैं और ये बदल कौन रहा है एक आदिवासी बदल रहा है जिसके बारे में ज़्यादातर तो लोग यही समझते हैं कि आदिवासी बड़े भोले भाले होते हैं उनको कुछ दिन दुनिया का पता नहीं होता है नहीं। तो मैं इस जटिलता को कि आदिवासी कितना बदल चुका है और दूसरा ये जो धर्म गाय संस्कृति की रक्षा का दावा है इसके नीचे किस तरह की आ, अंतरधाराएं काम कर रही हैं मैं उनको दिखाना चाहता था तो ये सही बात है कि जो पॉलिटिकल क्लाइमेट है उसका मैंने लाभ लेने का प्रयास किया लेकिन मैं सच्चाई दिखा रहा था कहने की ये कोशिश कर रहे हैं कि आदिवासी भोले वाले नहीं होते हैं जी नहीं बिल्कुल नहीं होते हैं बहुत बदल चुके हैं आदिवासियों की जिंदगी बहुत बदल चुकी है जैसे आप देखेंगे आ, मैं 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 आपने इसमें कुछ उदाहरण दिए भी हैं जब वो महिलाओं के साथ जो बर्ताव करते हैं उनको लेकर और तमाम चीज़ों को लेकर हाँ, महिलाओं के साथ बर्ताव और सबसे ज्यादा तो ये हुआ है कि जो आदिवासियों का अपना प्रकृत पूजक धर्म था उसको जो यह कर्मकांड वाला हिंदू धर्म है उसको रिप्लेस कर रहा है जैसे मुझे एक घटना याद आती है कि 2003 में मैं आउटलुक का करस्पॉन्डेंट था झारखंड में मुख्यमंत्री उस समय था वहाँ पे अर्जुन मुंडा अर्जुन मुंडा बीजेपी का मुख्यमंत्री था उसने क्या किया कि अपने घर में कलश स्थापना करवाई नवरात्र के दौरान स्थापना करने के लिए पूजा के लिए ये बिहार से एक पंडित बुलाया गया और नवरात्र के ही बीच में जो आदिवासियों का जी की जो धार्मिक संस्था है पाहन डोकलो सरना एक कलेक्टिव संस्था है उनके बैगाओं और पुजारियों की उसने बहुत बड़ा जुलूस निकाला कि ये आदिवासी नहीं है मुख्यमंत्री ये तो कलश स्थापना कर रहा है हमारे त्यौहार तो दूसरे हैं हमारा पर्व दूसरे सरहुल है सराई है और फिर मुख्यमंत्री को बैक ट्रैक करना पड़ा वो कलश वगैरह छिपाना पड़ा उनको आके बताना पड़ा कि आ, नहीं हमारी आस्था हमारा विश्वास आदिवासी सरना धर्म के ही साथ है लेकिन ये तो उस तरह की एक पॉलिटिकल अवसरवाद की बात हुई लेकिन आदिवासियों की ज़िंदगी बहुत बदल चुकी है आप देखिए जब कोई नया फैशन आता है सबसे पहले आदिवासी पकड़ता है चाहे वो कपड़े हो चाहे गॉगल हो चाहे जूते हो चाहे बाइक हो आदिवासी लड़के उसको सबसे पहले पकड़ते हैं ये मतलब आपका एक पूर्वाग्रह भी हो सकता है कौन सा पूर्वाग्रह होगा मतलब मेरा कौन सा पूर्वाग्रह आदिवासियों को लेके होगा मैं तो वो बता रहा हूँ कि जो दिखाई दे रहा और इसके नए नए रंग भी दिखाई देते हैं जैसे अरुणाचल में एक आदिवासी लड़के से मेरी मुलाकात हुई उसने अपनी बाइक को कुल्हाड़ी से काट डाला था बाइक दस पंद्रह दिन पहले खरीदी गई थी नई बाइक को कुल्हाड़ी से काट उसकी वजह ये थी कि एक दिन वो स्टार्ट नहीं हुई और उसको टुकड़े टुकड़े कर दिया कुल्हाड़ी से धोखा दिया इसने मतलब इतना यकीन करता था मैं इस बाइक पे इतना पैशनेट था इतना गुमान था मुझे ये धोखा दे दिया इसने स्टार्ट नहीं हुई काट डाला उसने तो इसके वो फैशन नई चीज़ों की तरफ आकर्षित होते हैं लेकिन उनकी दुनिया में इसके नए रंग खिलते हैं दूसरे तरह का उनका जो फेथ का बिलीफ का सिस्टम है उसमें उससे मिल करके एक नया रंग बनता है तो मुझे तो नहीं लगता कि मैं किसी पूर्वाग्रह का शिकार हूँ आदिवासियों को लेकर के लोक कवि कब रहा एक और आपकी कहानी है आ, नगर वधु अखबार नहीं पढ़ती संग्रह में ही जैसे आपकी कहानियों के बीच में राजनीति अपने आप चली आती है आ, उसी तरीके से इसमें भी आई लेकिन शायद मुझे लगता है ये आ, मेरा व्यक्तिगत राय भी हो सकती है कि इससे लोग रिलेट इसलिए भी ज़्यादा कर पाते हैं कि इसमें लोक जीवन जो है वो ज़्यादा हावी है और बहुत सहज रूप से चला आता है और आपका कहानी का नाम भी है लोक जीवन का बिरहा लोक कवि का बिरहा इस कहानी को लिखने के पीछे की वजह क्या ये तो नहीं रही कि आपको अपनी एक बनी बनाई धारा से कुछ इतर दिखाने का आ, कोशिश करनी थी कि मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ <laughs> देखिए मैं 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 पहले भी बता चुका हूँ और अभी कह रहा हूँ कि मैं लिखने को लेके महत्वाकांक्षी कतई नहीं था थोड़ी बहुत महत्वाकांक्षा अब पैदा हो रही है पहले नहीं थी और उसको लिखते समय मेरे दिमाग में था कि ये मेरी जानी पहचानी जमीन है मैं लोक जीवन को चूँकि गांव में मैं बहुत लंबे समय तक रहा हूँ और मैं जब किशोर था तो बिरहा बहुत स्थापित चीज़ थी हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में बहुत सारे लड़के पढ़ाई लिखाई छोड़ करके बिरहा गायक के रूप में अपना कैरियर बनाने के बारे में सोचते थे क्योंकि टी सीरीज का आगमन हो चुका था और कैसेट जिसका आ जाता था वो बड़ा मतलब उसको पैसे भी मिलते थे वो संपन्न हो जाता था उसका बड़ा नाम हो जाता था समाज में बड़ी इज्जत हो जाती थी तो मुझे लगता था कि मैं इस चीज़ को अच्छे से जानता हूँ और दूसरी बात है उस कहानी में असल चीज़ तो दिखाई गई है कि एक लोक कवि का जिसने कभी सोचा था कि वो अपनी कविताई को अपनी क्रिएटिविटी को सोसाइटी को ट्रांसफार्म करने के लिए बदलने के लिए इस्तेमाल करेगा ख़ास तौर से जो ऊंची जातियों का वर्चस्व है जो सामंतवाद है जो अत्याचार है कमज़ोर लोगों को लोगों पे। उसके अगेंस्ट लड़ने के लिए वो अपनी कविताई का अपनी रचनात्मकता का इस्तेमाल करेगा लेकिन राजनीति उसको वहाँ ले जाती है कि वो बड़े नेताओं के लड़के लड़कियों की पैदाइश पे बधावा गाने वाले एक पॉलिटिकल मजदूर के रूप में बदल के रह जाता है तो ये उसके अफसोस और पश्चाताप की कहानी तो मैं मैं वही लिख सकता था इसलिए मैंने वो लिखा मैं क्या कहूँ कि मैं क्या सोच के लिख रहा था कटरी की रुकमुनी कविता है और आम तौर पर ये चलन रहा नहीं है कि कविता पर कहानियाँ लिखी जाएं या उसको आगे बढ़ाते हुए उसे कहानी में तब्दील किया जाए ये प्रयोग आपने करके देखने की कोशिश की सफल हुए मैं नहीं कह सकता क्योंकि जो एक रिस्पांस सिस्टम है कि आप कुछ लिखते हैं वो पब्लिक डोमेन में जाता है और आलोचकों समीक्षकों की तरफ़ से वो पलट करके फिर आप तक आता है और उसके आधार पर आप आकलन करते हैं कि मैं अपने समय की पल्स को पकड़ पाने में कितना सफल रहा कितना विफल रहा मैं उससे काफ़ी कटा हुआ लेकिन जब आप किसी कविता को आगे बढ़ाते हैं कहानी के गद्य की शक्ल में लेकर आते हैं कहानी लिखते हैं तो क्या इस बात का भय नहीं रहता कि दोहराव ना हो डुप्लीकेसी ना हो कंटेंट में या लोग ये ना कह दें कि ये तो नकल है एक तरीके की चुनौतियाँ किस तरह की होती हैं देखिए मुझे जो चीज़ लगती है कविताओं को पढ़ते हुए एक आठ या दस लाइन की कविता और इन पंक्तियों के बीच में जो खाली जगह होती है उसमें मुझे बहुत कुछ चलता हुआ और गूंजता हुआ दिखाई देता है मतलब उसकी एक एक पंक्ति वो आपको पता नहीं कहाँ कहाँ ले जाके छोड़ आ सकती है अच्छे कवियों की बात कर रहा हूँ कि वो कवि पंक्तियाँ जो हैं आ, वो एक बहुत बड़े लंबे ब्रूडिंग चिंतन रगड़ संघर्ष का नतीजा होती हैं तो अगर आपके जीवन अनुभव उससे मेल खाते हैं जो कुछ उस कविता में लिखा हुआ है तो आप उस कविता के पीछे की कहानी उसके पीछे का उपन्यास उसके पीछे का आख्यान देख सकते हैं तो कटरी की रुकमिनी में मुझे दिखा क्योंकि मैं भी गंगा के किनारे का रहने वाला हूँ और आ, रिपोर्टरी के सिलसिले में काफ़ी भटका हूँ ऐसे इलाकों में जहाँ अवैध शराब बनती है जहाँ डकैत होते हैं जहाँ पकड़ होती है जहाँ पाँच हज़ार सात हज़ार रुपये के लिए कतल होते हैं तो मुझे लगा कि ये करके देखना चाहिए और आ, लोग क्या समझेंगे क्या नहीं समझेंगे ये बात मेरे दिमाग में नहीं थी किसे नकल समझा जाएगा या असल समझा जाएगा मैं तो बस उस कविता पे अभिभूत था मुग्ध था मुझे लगा कि हाँ मेरे अनुभव इससे मेल खाते हैं तो इसको मैं एक दिशा दे सकता हूँ वो मैंने करने की कोशिश की रिपोर्टरी किया अपने आपने बात की अब जब एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट जब हम करते हैं कोई भी पत्रकार करता है तो उस रिपोर्ट की परतों को खोलने की कोशिश करता है घटना की और एक लेखक होता है वो कथानक को खोलता है इन दोनों में कितना अंतर होता है और क्या रिपोर्ट या इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट करना और कहानी लिखना दोनों में आपको कोई साम्य नज़र आता है देखिए एक साम्य जैसा तो कुछ नहीं है इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट करते समय जो इसमें इन्वेस्टिगेशन है वो बाहर चलता है रिपोर्टर से बाहर की दुनिया में इन्वेस्टिगेशन चलता है कहानी या उपन्यास में वो इन्वेस्टिगेशन भीतर की तरफ चलना शुरू हो जाता है आपको अपने अंदर इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है आपके जो करेक्टर हैं उनका जो मानस है उनके अंदर क्या चल रहा है फिर इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है और दूसरा ये है कि रिपोर्टिंग की चाहे वो इन्वेस्टिगेटिव हो चाहे दूसरे तरह की रिपोर्टिंग हो उसकी अपनी सीमा है उसका एक फॉर्मेट है कि रिपोर्ट मैक्सिमम छः सौ शब्दों की होनी चाहिए अब तो और छोटी मतलब और छोटी तो होना आठसठ शब्दों में सिमट आइए जैसे मोबाइल में हम पढ़ते हैं हाँ ये खैर एक और अत्याचार है जब आप उसको बहुत छोटा कर देंगे तो कुछ बचेगा ही नहीं फिर उसके बाद ये भी होता है कि ये इसी जगह लगनी है जो अखबार का फॉर्मेट है उसमें ये भी तय है और इसके बीच में बहुत सारे प्रपंच और राजनीति से उस रिपोर्ट को गुज़रना पड़ता है जो उसको जांचने पर रखने वाले लोग हैं जिनके पास ये क्षमता है कि वो उसको कहाँ उसको लगवाएं या हटवा दें इन सब के बीच में वो गुज़र के आती है लेकिन कहानी या उपन्यास के साथ ऐसा नहीं है वो आपका अपना डोमेन है तो मुझे तो ऐसा लगता है कि रिपोर्टिंग एक नहायत नाकाफ़ी और नाकाफ़ी नाकाफ़ी ही कहना ठीक होगा किस्म की चीज़ है कि एक रिपोर्टर बहुत कुछ ऐसा है किसी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट को करते समय बहुत कुछ ऐसा देखता सुनता महसूस करता है कि उसको लिखने की जगह नहीं होती आपके अखबार में या चैनल में तो मैंने तो एक एक, एक कहानियाँ लिखने के पीछे कारण ये भी था कि मैंने जो अनुभव बटोरे थे जो नहीं आ सकते थे आ, रिपोर्ट में उनको कहने के लिए मुझे जगह चाहिए थी इसी बात पे आ रहा हूँ कहने की बात पर आ रहा हूँ भाषा पर आता हूँ रिपोर्ट की जो भाषा होती है वो एक गंभीर लेखक की भाषा से बहुत अलग होती है क्रिएटिविटी की गुंजाइश बहुत कम रहती है आपको सीधी सीधी अपनी बात कहनी है कम शब्दों में कहनी है आप अपनी भाषा को किन स्तरों पर बुना हुआ पाते हैं और वो जो आ, इन दोनों के बीच का जो एक ग्रे एरिया है वहाँ से आवाजाही कैसे करते हैं बैलेंस कैसे साधते हैं देखिए मैंने हमेशा इस बात की कोशिश की कि नीरस से नीरस सड़ियल से सड़ल सब्जेक्ट पे अगर रिपोर्ट हो तो उसकी भाषा से मैं कभी संतुष्ट नहीं था मैं उसको हमेशा ज़्यादा एक्सप्रेसिव ज़्यादा कम्युनिकेटिव ज़्यादा लोडेड बनाने की कोशिश करता है। हूँ ये मेरी रिपोर्ट्स में डे वन से है कि मैं वो जो दिया गया फॉर्मेट था अखबार की भाषा का फाइव डब्लू वाला उससे मैं कभी संतुष्ट नहीं था और मुझ पर ये आरोप पहले दिन से था पत्रकारिता में कि ये अपनी रिपोर्टों में साहित्य फैलने की कोशिश करते हैं ये हमेशा से था और मुझे इसका इसका बड़ा फक्र रहा है कि मैंने कभी उस धर्रे पे रिपोर्ट करने की कोशिश नहीं की नहीं। तो एक कह सकते हैं कि मैंने अपने तई जो रिपोर्टरी की भाषा थी उससे मैं असंतुष्ट था नाराज़ था उसको मैंने बदलने की कोशिश की और वहाँ नहीं सफल होना नहीं था तो उसका विस्तार फिर मैंने अपनी कहानियों में किया और मतलब मैंने मैंने, मैंने मैं एक ही भाषा को जानता हूँ जिसको मैंने रिपोर्टरी में भी गुजारने की कोशिश की मैं दूसरी भाषा नहीं जानता तो बैलेंस जैसी कोई चीज़ की गुंजाइश रह नहीं जाती है तब बैलेंस किस चीज़ का करेंगे मैं तो उस उस रिपोर्टरी की भाषा को ही के बदलना चाहता था और काफ़ी हद तक बदला भी मेरी आप कोई भी रिपोर्ट आप उठा लें वो पुराने फॉर्मेट में नहीं मिलेगी उसमें आपको ऐसा लगेगा कि वो कहानी है या उपन्यास की कोई पंक्ति चली आई है या कविता की पंक्ति चली आई है ये तो हमेशा से था और इससे जो प्रोफेशनल किस्म के संपादक सभी तो नहीं कुछ बड़े खुश भी होते थे बड़े नाराज़ भी रहा करते थे कि ये ये कौन सी भाषा है क्यों इतनी जद्दोजहद रिपोर्ट लिखने में क्यों इतना लोडेड बनाना है इसको आराम से सीधा सीधा लिखो ना लेकिन मुझे सीधा सीधा लिखना कभी गवारा नहीं था सीधा सीधा लिखना गवारा नहीं और भाषा में तोड़ फोड़ करना ये तमाम जो प्रकृति आपकी रही क्या इसने आपके निजी जीवन पर भी प्रभाव डाला क्यों नहीं मेरा मेरा चीजों को व्यक्त करने का ढंग लगातार बदलता रहा है बातचीत करने का ढंग लगातार बदलता रहा है सोचने का ढंग लगातार बदलता रहा है निश्चित तौर पे प्रभाव डालेगा इससे कैसे बचा जा सकता था आपने एक जगह लिखा कि मेरे मन में एक लंबी अंधेरी सुरंग है मैं इसके बारे में थोड़ा जानना चाहता हूँ ये लंबी अंधेरी सुरंग क्या है इसको आप ऐसे समझिए कि मेरा बहुत ज़्यादा समय यूं ही ऊपर देखते हुए बीतता है जैसे आसमान में देखते हुए दिन में मुझे चाहिए होता है एक दो घंटे इस तरह के कि जब मैं कुछ न करूं बैठ के सिर्फ कहीं देखता रहूं तो लेकिन मैं ठीक ठीक नहीं बता सकता कि उस समय मेरे भीतर क्या चल रहा था मैं क्या सोच रहा था मैंने दो घंटे सामने पीपल के पेड़ को देखते हुए जो बिताए उस दौरान मेरे भीतर क्या चला या उसके पीछे किसी बादल को देखते हुए ये नहीं बता सकता ये वही अंधेरी सुरंग है कभी कभी उसके भीतर जो चल रहा होता है मैं अवेयर होता हूँ तो पकड़ में आ जाता है कि ये 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 चल रहा है हज़ार चीज़ों के बीच एक ये, ये भी चल रहा है तो ये वही अंधेरी सुरंग है मतलब अवचेतन सबकॉन्स अवचेतन ही वो अंधेरी सुरंग है कभी कभी उसका कोई एक विचार आ जाता है चुटकी में उसको अगर आ, सब कुछ ठीक ठाक है तो वो विकसित हो जाता है नहीं तो ख़त्म हो जाता है वही है अंधेरी सुरंग और एक जगह आप लिखते हैं कि लेखन पुराने ढर्रे और प्रिय चीज़ों की कुर्बानी मांगता है कुछ कुर्बानियाँ आपने दी जाहिर सी बात है कि लेखन एक तो ये है कि लेखन करते हुए आप हिपोक्रेट नहीं रह सकते ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपनी ज़िंदगी में वो बने रहें जो आप जिसके जो आप लेखन में दिखा रहे हैं जिन मूल्यों का की पैरोकारी आप कर रहे हैं जिन चीज़ों को आप प्रमोट कर रहे हैं अपनी राइटिंग में उससे अलग बहुत विपरीत का जीवन आप नहीं जी सकते इन्हीं चीज़ों की कुर्बानी देनी पड़ेगी जो आपने अपने परिवार से समाज से संस्कृति से जो पतनशील चीज़ें हासिल की हैं जो आपके व्यक्तित्व का आपकी मर्दानगी का आपके उम, सोचने के ढंग का हिस्सा है उसकी कुर्बानी देनी पड़ेगी तभी स्पेस बनेगा नई चीज़ों के लिए और उनको आप समझ पाएंगे एक्सप्लोर कर पाएंगे और लिख पाएंगे एक किसका पहलू ये भी है जिस चीज़ की कुर्बानी यदि वो आपको कभी प्रिय रही ना हो ये तो देखिए सतत संघर्ष है जो चीज़ें कभी बहुत प्रिय थीं एक दिन आप बहुत खुशी खुशी उनको कुर्बान करते हैं जिन चीज़ों के बारे में आपको इल्हाम तक नहीं था उनको फिर आप अपने जीवन में अपनाते हैं ये तो किस तरह से आपकी चेतना का विकास होता है इस पे निर्भर जैसे औरतों के बारे में नज़रिया कि हम जिस तरह के समाज से आते हैं औरत उसमें दो एम दर्जे की एक नागरिक है और बचपन में कभी नहीं खटकता था कि दहेज लेना कोई ख़राब चीज़ है बल्कि किसी की बारात वारात आती थी तो बड़े शौक़ से बातचीत होती थी कि इनको क्या क्या मिला है कितना तिलक चढ़ा दहेज में क्या क्या मिला है कभी दिमाग में नहीं आया कि दहेज ख़राब चीज़ है इसी तरह से औरतों के साथ हिंसा मारपीट कभी गलत नहीं लगा क्योंकि हमारे आसपास बड़े इफरात में ये हो रहा था लेकिन धीरे 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 बड़े होने पे पढ़ाई लिखाई दुनिया को देखते हुए बात आई तब फिर खुद को बदलना पड़ा तो ये तो इसी तरह से होता है अच्छा कभी ऐसा लगा किसी चीज़ को आप बहुत देर तक देख रहे हैं और उस पर लिखना चाहते हैं लेकिन लिख नहीं पा पाए आप कभी उस पर या वो पूरे रूप में उतर नहीं पाएगी जिस पे जिस रूप में आप उसे उतारना चाहते हैं ऐसा होता है अक्सर होता रोज होता है कैसे डील करते हैं कुछ नहीं कैसे डील करेंगे भाई जिंदगी में ज़्यादातर चीज़ें जो आप सोचते हैं कहाँ कर पाते हैं आपको मन महसूस के रह जाना पड़ता है यहाँ किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता और दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि दिमाग जो है वो इतना क्लटर्ड है दूसरी चीज़ों से कि जो आप लिखना चाह रहे हैं कहना चाह रहे हैं असल बात तो ये है ना कि आप किसी विचार को समय दें उसको दूर तक विकसित करें उसको किसी ऐसी जगह ले जाए तक विकसित कर पाएं कि वो लिखे जाने लायक हो तब ना लिखेंगे आप आपका दिमाग अपने रोज़मर्रा के घमंजे से प्रपंचों से इतना भरा हुआ है कि उसको आप थोड़ी दूर विकसित करते हैं और वो लिखे जाने के लिए नहायत अपर्याप्त है तो उसको अफसोस के साथ छोड़ देना पड़ता है और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनके बाद अनिल यादव को लगा हो कि कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता अभी कोई एक चीज़ थोड़े है ये रोज़ लगता रहता है और ये इतना लगा है कि अब उम्मीद छोड़ दी गई है कोई एक चीज़ नहीं है मतलब अगर पूरे जीवन को देखा जाए एक तो मैंने कभी कोई बड़े आकांक्षाएं बड़े सपने लेखन को लेकर के पाले नहीं पत्रकारिता को लेकर भी नहीं पाले तो एक तरह से अपने सपनों को कुचले जाते देखने का और संतोष कर लेने का मुझे अभ्यास हो मैं उन्हीं सपनों के बारे में जानना चाह रहा हूँ वो कौन से सपने हैं बहुत सारे सपने हैं एक दो सपने हैं उनके बारे में क्या जिक्र किया जाए बहुत सारे सपने ज़्यादा किसे पढ़ते हैं अनिल जी कवियों को कहानीकारों को या उपन्यासकारों को ज़्यादातर तो मैंने कवियों को ही पढ़ा है मुझे ये अच्छा लगता है कवियों के साथ कि वो बहुत कम शब्दों में अपनी बात कहते हैं फिर आपको सोचने के लिए बहुत बड़ा स्पेस मिलता है और उसमें भटकते हुए आप बहुत सारी नई जगहों पे बहुत सारी अनजानी जगहों पे जा पहुंचते हैं कभी खुद कविताएं लिखने की कोशिश हाँ मैंने मैंने अपने आ, जब मैं बीएससी में था तो मैं कवि ही हुआ करता था अच्छा और आ, मेरी कविताएं छपी भी हैं जनसत्ता का एक बार दिवाली विशेषांक आया था उसमें छपी थी उद्भावना में छपी थी लोकल अखबारों में भी छपी थी लेकिन बाद में मुझे लगा कि मेरी कविताओं में कुछ कुछ वैसी बात नहीं है मैं बस अपने पहले के कवियों की नकल करते हुए और कुछ अनोखा कहने के चक्कर में अपना अपनी अपना मजाक बनवा रहा हूँ तो फिर वो छूट गया मैं मैं अपने को ज़्यादा एक्सप्रेसिव पाने लगा गद्य में अनोखा तो आप कह जाते हैं जैसे आपने एक बार ये स्टेटमेंट दिया कि हिंदी के पास अज्ञे के रूप में अपना रविंद्रनाथ टैगोर था जिसे हमने खो दिया इस पर काफी विवाद भी हुआ तो इसको क्या कहा जाए मैंने तो सिर्फ इस रेफरेंस में ये बात कही थी कि मैं देखिए साहित्य को समाज को राजनीति को अर्थव्यवस्था को अलग अलग करके नहीं देखता हूं साहित्य कोई सेक्युलेटेड या अलहदा खिता नहीं है कि मैं इनके बीच के अंतर संबंध को इतना अच्छी तरह से समझता हूँ कि इनको समेकित रूप से देखता हूँ तो मैं ये बात इसलिए कह रहा था कि जो हमारा हिंदी भाषी हिंदी पट्टी वाला समाज है वो बहुत हीनता का मारा हुआ है उसमें आत्मसम्मान की सेल्फ रिस्पेक्ट की बहुत कमी और यही कारण है कि हमारे जो क्रिएटिव पर्सनैलिटीज़ हुई हमारे जो लेखक हुए हमारे जो कवि हुए हमारे जो विचारक हुए उनकी इज्जत हमने नहीं की जो इज्जत बंगालियों ने रविन्द्रनाथ टैगोर को दी वो इज्जत हमने अग् को नहीं दी वरना अग् भी आ, उसी तरह के अग् क्रांतिकारी थे फौजी थे चित्रकार थे बहुत इनोवेटिव आदमी थे उन्होंने पेड़ पे घर बनाया था उन्होंने कहानियाँ लिखी, उन्होंने उपन्यास लिखे उन्होंने यायावरी की तो ऐसा क्यों है कि बंगालियों के लिए बिना रविंद्र संगीत के स्कूल का कोई फंक्शन नहीं शुरू होता और हमारे यहाँ अग्गे सी आई ए के एजेंट और बंतू और पता नहीं क्या क्या बन के रह गए तो हमारे भीतर बहुत कुंठा और हिंसा भरी हुई है हम किसी भी चीज़ की इज्जत नहीं करते और बहुत जल्दी उसको तोड़ फोड़ के नष्ट कर देते नष्ट करने की कोशिश तो एक आपने भी की थी किसी की इमेज को ऐसा बहुत से लोगों ने कहा जैसे तुलसीराम की जब आत्मकथा आई उसके बाद आपने एक लेख लिखा और उसमें तुलसीराम के निजी जीवन को उजागर किया और उसके बाद कहा कि मैं नहीं चाहता कि कोई एक जीवनी पढ़ के महामानव बना दे किसी को हाँ मैंने मैंने आ, कोशिश की और बड़े शिद्दत से कोशिश की और मुझे गर्व है कि मैंने ऐसे कोशिश की जो पहला हिस्सा था आज मुरदहिया का जब आया और उसको मैंने पढ़ा चूँकि तुलसी राम मेरे अपने गांव से जहाँ का मैं रहने वाला हूँ वहाँ से बमुश्किल तमाम तीस किलोमीटर की दूरी पे उनका गांव है धर्मपुर और वही लोकेल है वही जाति व्यवस्था है वही इन्वेरमेंट है बहुत सारे पहलू दलितों की ज़िंदगी के मैंने देखे जो मैं पहले नहीं देख पाता था और ऐसा मैं इसलिए कर पा रहा नहीं देख पा रहा था कि मैं थोड़ा दलितों की तुलना में एक प्रिविलेज जाति से आता था मेरा पालन पोषण दूसरे ढंग से हुआ था तो मुझे लगा कि ये एक बड़ा काम है मैंने उसकी तारीफ की और मैंने बताया कि वो जे में जो जो बुद्धिजीवी हैं वो प्लास्टिक के बुद्धिजीवी हैं उनके बीच में तुलसी राम की आवाज़ उनका लिखना एक धातु की झनकार जैसा सुनाई देता है क्योंकि उसमें सच्चाई है क्योंकि उसमें यथार्थ है लेकिन बाद में जैसे ही पता चला कि तुलसी राम ने अपनी उस बीवी को भुला दिया अपनी ज़िंदगी से वाइपआउट कर दिया रब ऑफ कर दिया जिसके गहने बेच करके उनकी पढ़ाई हुई थी जिसके बैल बेच करके उनको डिग्री मिली थी जिसके घर से अनाज आता था तुलसीराम बनारस शहर में रहते थे और उनका खाना वहाँ से तो उन्होंने अपने आत्मकथा में सुंदर बात है कि उन सवर्णों को भी याद किया जिन्होंने तुलसीराम के साथ उनको हौसला दिया उनकी फ़ीस भरी उनकी मदद की लेकिन अपनी उस बीवी को उन्होंने जानबूझ के भुला दिया अपनी इमेज मेकिंग के चक्कर में एक ख़ास तरह की इमेज बनाने के लिए ज़्यादा नैतिक ज़्यादा पॉलिटिकली करेक्ट इमेज बनाने के लिए राधिका देवी को जिनके जिनके बैल बेचे गए थे मायके के जिनके गहने बेचे गए थे तो मुझे ये बड़ी बेईमानी लगी और मुझे लगा कि इस तरह की इमेज मेकिंग को ध्वस्त किया जाना चाहिए टार्निश किया जाना चाहिए इसलिए मैंने लिखा उसको अच्छा क्या ऐसा है कि अनिल यादव खुद को बाहर से बोहेमियन दिखाने की कोशिश करते हैं लेकिन अंदर से बहुत संवेदनशील हैं बहुत टूटे हुए हैं लेकिन बाहर से एक दिखावा करते हैं कि देखिए मैं ऐसा हूँ नहीं देखिए बोहेमियन होने में और संवेदनशील होने में मुझे कोई अंतर्विरोध नहीं दिखाई देता ऐसा नहीं है कि एक जो बोहेमियन आदमी होता है या राजक आदमी होता है उसके भीतर संवेदना नहीं होती है उसके भीतर परवाह नहीं होती मुझे ऐसा लगता है कि जो बोहेमियन और अराजक लोग होते हैं वो थोड़े क्या कहेंगे ये जो छोटे छोटे दुख हैं ज़िंदगी के इससे ऊपर उठ करके नई दिशाओं में थोड़ी जोखिम भरी थोड़ी उस तरह की दिशाओं में जाने की कोशिश करते हैं और इस उम्मीद के साथ जाने की कोशिश करते हैं क्या पता ये वाली जो ज़िंदगी है पिछली वाली से बेहतर हो पिछली वाली से कुछ निजात मिले मैं जिस तरह का जीवन मैंने जिया है तो मैं इन दोनों में कोई अंतर्विरोध नहीं देखता बोहेमियन होने में और संवेदनशील होने में और दूसरा टूट दुख परेशानी निराशा ये जिंदगी का हिस्सा है असल बात यह है कि आप इसको किसी को इसको मैनेज करने में बहुत कम समय लगता है कोई बहुत देर में मैनेज कर पाता है नहीं कर पाता है कुछ लोग नहीं मैनेज कर पाते हैं दावा करते हैं कि उन्होंने सब मैनेज कर लिया है आप कर पाते हैं मैं 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 कहूँ तो सही बात तो ये है कि कभी कर पाता हूँ कभी नहीं कर पाता हूँ जैसे मैं जिन दिनों मेडिटेशन करता हूँ मैनेज कर लेता हूँ जिन दिनों में मेरा रिश्ता ध्यानवान से ख़त्म हो जाता है मैनेज करना कठिन होता है आजकल इसीलिए दौड़ रहे हैं ताकि मैनेज हो पाए हाँ हाँ बिल्कुल 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 ठीक बात है क्योंकि मुझे दौड़ना भी मेडिटेशन का एक रूप ही लगता है कि आप 45 मिनट तक एक घंटे तक सिर्फ एक जगह फोकस होते हैं और अपने शरीर के भीतर मन के भीतर दिमाग के भीतर जो कुछ चल रहा है उसको बड़ी क्लैरिटी के साथ देख पाते हैं और दूसरा उसके बाद दौड़ने के बाद 45 मिनट दौड़ने के बाद जो हवा का और स्पेस का स्पर्श होता है और जो अंदर से हल्कापन महसूस होता है वो थोड़ी देर के लिए आपको निकाल देता है दुनिया भर के प्रपंचों से चाहे आप कितनी परेशानी में हों कितने तनाव में हों तब आप खुद से इतने असंतुष्ट क्यों रहते हैं इसलिए असंतुष्ट रहते हैं कि मैंने अपने आप से बहुत अपेक्षाएं कभी पाल ली थी खुद से कि मुझे आ, ऐसा होना है वैसा होना है ऐसा जीवन जीना है वैसा जीवन जीना है एक तो ये दूसरा ये कि एक्सप्रेशन को लेकर के मेरा बहुत असंतोष रहता है मैं किसी भी चीज़ को उसके ठीक ठीक जैसा वो मुझे महसूस हुआ था जिस तीव्रता के साथ जिस विभव के साथ जिस 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 डायमेंशन के साथ उसको मैं एक्सप्रेस करना चाहता हूँ और जब ये नहीं हो पाता तो फिर मुझे बड़ी बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है बहुत हताशा होती है और उस एक्सप्रेशन में कभी ऐसा नहीं होता कि आप भाषा के अतिरेक में चले जाएं ऐसा भी होता लेकिन वो सब कभी सामने नहीं आता वो सब काट पीट के फेंक दिया जाता है सामने वो आता है जिससे मैं कुछ संतुष्ट होता हूँ या उससे बेहतर मैं नहीं कर सकता अब तो फिर ये होता है कि हाँ अब इसको जाना चाहिए अब ये सामने आ सकता है मैंने कोशिश करके देख ली अब इससे बेहतर नहीं कर सकता मैं ठीक है वो सामने आ जाता है और एक अपेक्षा आलोचकों से भी आपको रही होगी इसीलिए आलोचकों से आप नाराज़ रहते हैं खासे आलोचकों से भी ज़्यादा मुझे समाज से अपेक्षा थी मैं हिंदी साहित्य की आलोचना का इतिहास जानता था पुराने संपादकों को भी जानता था और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके लिखे से ज़्यादा उनके व्यक्तित्व से जानता था एक पत्रकार होने का फ़ायदा ये है कि आप दूसरों की जिंदगियों में ज़्यादा दूर तक घुस के देखते हैं तो मैं आलोचक का लिखा हुआ भी पढ़ रहा था और आलोचक का किसी साहित्यिक गोष्ठी में तीन पैक के बाद वाला व्यवहार भी देख रहा था तो इसलिए मुझे उनसे कोई उम्मीद नहीं थी लेकिन मुझे ये उम्मीद थी कि ज़रूर ऐसे लोग होंगे जैसे अगर मुझे अच्छी लेखन की अच्छी कविताओं की अच्छे टेक्स्ट की जो जीवन को अभिव्यक्त करता हो बदलते हुए समय को पकड़ता हो और कोई अंतर्दृष्टि दे जाता हो उलझी हुई चीज़ों के बारे में तो और लोगों को भी तलाश होगी इस तरह के लेखन की तो उनसे उम्मीद थी और मैं बहुत निराश नहीं हुआ हूँ हाँ निराश हुआ हूँ लेकिन बहुत निराश नहीं क्या अनिल यादव अपनी कहानियों के पात्रों के पीछे खुद को छिपाने की कोशिश करते हैं मैं मैं नहीं कह सकता कि ऐसा ऐसा होता है क्योंकि मेरे जीवन में पात्रों की इतनी भरमार है और इतने रंग हैं मेरे पास कोई कमी नहीं है पात्रों की कि मैं मुझे मुझे दो ही पात्रों के बारे में पता है और जो कुछ भी मुझे कहना है इन्हीं के जरिए कह डालना गांव शहर कस्बे तीनों तरह की ज़िंदगी मैंने जी है और बहुत भटका हूँ बेमतलब भटका हूँ तो मेरे पास पात्रों की कमी नहीं है ये अलग बात है कि मैं लिख नहीं पाता एक जो जितना मुझे लिखना चाहिए था मैंने नहीं लिखा है और अभी भी नहीं लिख पा रहा हूँ तो मुझे छिपने की ज़रूरत नहीं है मेरे पास बहुत बड़ा बड़ी भरमार है मतलब इतने वैविध्य भरे पात्र हैं कि छिपने से अच्छा है कि मैं फर्स्ट पर्सन में लिख दूँ सीधे सीधे लेकिन लिखते नहीं हैं लिख नहीं पाता मैं बहुत कोशिश करता हूं दिन रात लिखने के बारे में ही सोचता रहता हूं और अपने को भविष्य में अगर मैं देखता हूँ तो हमेशा से एक लेखक के रूप में देखता आया हूँ और आगे भी वैसे ही देखता हूँ लेकिन उसके लिए जितना प्रोड्यूस करना चाहिए वो मैं नहीं कर पाता उसको फिक्शन में ढाल नहीं पाते या इस सवाल को ऐसे पूछूँ आर्ट ऑफ फिक्शन आपके मेरे के लिए है? बैठ ही नहीं पाते उसके पीछे अलहदीपन भी हो सकता है मेरे भीतर का मानसिक संघर्ष भी हो सकता है या जिंदगी की सबसे ज़रूरी चीज़ों को टालते रहने की पुरानी आदत भी हो सकती है तो मैं शुरू ही नहीं कर पाता सिर्फ सोचता ही रह जाता हूँ ओवर थिंकिंग कह सकते हैं आपने एक मरतबा कहा था कि लिखता मैं मजबूरी में हूँ क्या अभी भी मजबूरी है या अब वो मजबूती बन चुकी है ना ना अभी भी मजबूरी ही है अभी मैं, मैं मैं नहीं कह सकता कि मैं जब चाहे तब लिख सकता हूँ ऐसी स्थिति नहीं है अगर कोई बात कोई विचार उसमें इतना 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 इंटेंसिटी है वो मुझे इतना परेशान कर रही है कि मैं चैन नहीं ले पा रहा हूँ तो शायद वो लिख जाए उसमें कम इंटेंसिटी है नहीं लिखा जाएगा ये स्थिति अभी भी है पहले भी थी कल क्या होगा मैं नहीं जानता हालांकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ ऐसा हो जाए कि मैं अपनी पसंद के विषय को आ, अपने हिसाब से रिसर्च करके एक्सप्लोर करके सोच करके एक दिए दिए हुए टाइम फ्रेम में उसको लिख सकूँ लेकिन अभी तक सफल नहीं हो पाया हूँ और क्या क्या आना बाकी है अनिल यादव की तरफ से जिसे वो सोचते हैं कि मुझे करना है और मैं अब तक कर नहीं पाया हूँ मैं मैंने कोई बड़ी योजना तो नहीं बनाई है कि आ, क्या आएगा उपन्यास आएगा कि कहानी आएगी लेकिन एक चीज़ मैं इधर कई साल से सोच रहा हूँ कि अब तक मैंने जो कुछ लिखा है जो कहानियाँ लिखी हैं ख़ास तौर से वो बाहरी दुनिया की कहानियाँ हैं उसमें मनुष्य का जो आत्मसंघर्ष है वो बहुत कम बाहर की दुनिया बहुत ज़्यादा है बाहर के ब्यौरे बहुत माइन्यूट डिटेल के साथ है। तो अब मेरा मन ये है कि बाहर की दुनिया को देखना बंद करके आदमी के अंदर की दुनिया पे कुछ करना चाहिए और अगर कुछ नया आया तो वो इसी पे होगा ये एक तरह से मेरा लेखन बदलने वाला है ऐसा मुझे लगता है कि अब तक जो कुछ था वो पीछे छूटने वाला एक नए तरह की राइटिंग शुरू होने वाली तो मैं एक ऐसे जंक्शन पर खड़ा हुआ हूँ और बड़ा बेसब्र भी हूँ इसको लेकर के कि जल्दी ये सब पीछे वाला ये जो बाहरी दुनिया की चमक दमक वाला था ये जाए ख़त्म हो और वो नया शुरू हो तो जो कुछ भी होगा वो मन के डायनामिक्स के बारे में होगा कह सकते हैं अब उसका रूप क्या होगा ये मैं नहीं जानता चले अनिल जी आप जिस जंक्चर पर खड़े हैं उससे आगे बढ़ें और जो नया रचना चाहते हैं वो रचें आप ऐसे ही सृजनरत रहें संगत में आए बातचीत की बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया धन्यवाद जब मुझे कोई ये कहता है कि इनका बड़ा मामला विदेशी है मैं हंसती हूँ उनको ये नहीं पता है कि बखोरापुर मेरे साथ अब भी है जो मेरा गाँव है मेरे पिता हर सप्ताह एक पत्र लिखते थे मुझे हर साल एक डायरी मुझे भेजते थे आपका अपना लिखा हुआ ही आपको परिष्कृत करता है अगर उसने नहीं किया तो फिर वो अच्छा लिखा नहीं है तो जो ये पूरी चेतना है फेमिनिज्म की इसमें पुरुषों के साथ तालमेल बैठाने का जो पूरा उपक्रम है ये भी इसको भी मैं भयानक ढंग से पितृसत्तात्मक मानती हूँ जो स्त्रियाँ ही चलाती हैं जंगल प्रकृति स्त्री ही है दिखती नहीं स्त्री की तरह और स्त्री प्रकृति ही है स्त्रियों को ऊंचे पदों पर अगर कहीं पहुंचाया गया है तो एक टोकनिज़्म है एक स्त्री क्यों पहुंचती है तो पंकज जी का जाना मेरे लिए सिर्फ एक पति का जाना नहीं था एक वैसे बौद्धिक कवि का जाना था जिसके बगैर ये जीवन सुना हो गया